मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, माँ के बहुत बहुत प्यार। आप सब अपने घरों में सुरक्षित व तन मन से स्वस्थ होवोगे। माँ बाबा की इस पावन तपोभूमि पर आने की आपकी तड़प, आपकी आतुरता, आपकी उमंग को अच्छी तरह समझती हूँ। इसीलिए एक बार फिर शब्दों द्वारा मैं आप सबके श्री चरणों में पहुंच रही हूँ। सद विचारों व शुभ संकल्पों के साथ हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। नव वर्ष की इस मंगलमय वेला पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं व ढेरों प्यार देती हूँ। ये वर्ष आप सबके लिए मांगलिक हो, सुखदायी हो, तन निरोग रहे, मन स्थिर हो, निर्मल हो और आत्मा जागृत हो। माँ बाबा के भरपूर आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। गुरुजनों के अनंत उपकारों को स्मरण करके रोम रोम प्रफुल्लित व हृदय पुलकित हो उठता है। जहाँ बाबा ने सिद्ध मंत्र राम नाम देकर हमें आध्यात्मिक पूंजी से मालोमाल किया, हमारी अज्ञानता का अंत करके हमें सही मार्ग दिखाया, वहीं पानीपत श्री राम शरणम जैसा तीर्थ देकर हमारे ऊपर महान उपकार किया। माँ ने अपने अनथक तप, त्याग व परिश्रम से इस तपोभूमि को तीर्थ बना दिया। माँ का आदर्श जीवन व उच्च चरित्र पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारा हृदय कह उठता है, जो कुछ दिया सो तुमने कैसे विसार दूं, क्या चीज है जो मेरी कह के मैं वार दूं। मैं कामना करती हूँ कि नव वर्ष में हमारे कदम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़े, रूहानी सफर तय हो, राम नाम का आराधन लगन से, प्यार से, विश्वास के साथ करते रहना, अमृतवाणी का पाठ तथा पूज्य महाराज के अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय को भी अपने दिनचर्या में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, सत्संग का लाभ उठाते रहना। साधनों से जीवन की कठिनाइयों से जूझने की शक्ति व शांति मिलती है। जो अतीत में खो गया उसके लिए चिंतित ना होकर चिंतन करें व वर्तमान को सुधारें। बीता समय वापस नहीं आता, ये जानते हुए क्षण क्षण का सदुपयोग करें। जो भूले पिछले वर्ष की है उन्हें हम ना दोहराएं। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। अंत में सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह हम सब के पापों को क्षमा करते हुए प्रकृति के भयंकर प्रकोप को शांत करें, ताकि मेरे बच्चे माँ बाबा के पावन दरबार में पहुंचकर अमृत पान करके अपनी आत्मा की भूख और प्यास को मिटा सकें। एक बार पुनः राम दरबार में आप सबका शुभ चाहती हुई आपकी माँ।